तो बेसिकली गाइस चकराता अपने प्लीजेंट और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी जाना जाता है। आप देख सकते हो यहाँ का मौसम बहुत ही बढ़िया है, यहाँ धूप बहुत कम आती है। ये प्लेस ट्रैकिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। हम अगर बेसिकली उत्तराखंड की तरफ का टूर प्लान करते हैं तो मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश जैसे एरिया में ही विजिट करते हैं। रीज़न बीइंग कि हमें चकराता का पता ही नहीं है, क्योंकि ये मसूरी से काफ़ी ऊंचाई पर है और ये काफ़ी हिली एरिया है। यहाँ पे अगर आने की बात की जाए तो हम बाय प्लेन, बाय ट्रेन और बाय रोड भी आ सकते हैं। और यहाँ पे जो टाइमिंग रहती है घूमने की वो मार्च से जून और अक्टूबर से दिसंबर में ही रहती है, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। यहाँ पर अगर घूमने की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारी नेचुरल साइट्स हैं जो आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे टाइगर फॉल है जो कि चतकारा से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ पर एक चिलमरी सनसेट पॉइंट है जो कि चकराता से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, हम वहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ एक लाखा मंडल हिंदू टेम्पल है तो हम यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी जगहें हैं गाइस जो कि हम चकराता में रहते हुए विजिट कर सकते हैं। यहाँ का वेदर आपको बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत रहते हैं। यहाँ की अगर मार्केट की बात की जाए तो यहाँ की मार्केट बहुत ही बड़ी है गाइस, और यहाँ पर आपको हर एक तरह का सामान मिलेगा और जिसके रेट भी बहुत सही होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, चीप रेट की है गाइस। हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ जकार्ता की मेन मार्केट में आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे बहुत सी वैरायटी देखने वाले हैं। आपको हर एक नीडफुल थिंग्स यहाँ पे मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ का फेमस है वो राजमा रहेगा, तो राजमा भी देखिएगा। ये जो राजमा है ये बहुत अच्छी वैरायटी है इसकी, कहते हैं कि इसको एज अ सैलड हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा राजमा की वैरायटीज़ है, आपको यहाँ पे हर तरह का राजमा मिलेगा, जैसे पहाड़ी राजमा हो गया। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे हम शॉपिंग कर सकते हैं। फाइनली चकराता विजिट करने के बाद हम मसूरी की तरफ निकल चुके हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो गाइज अगर आप कभी उत्तराखंड की तरफ प्लान बनाते हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप चकराता ही जाइए, क्योंकि ये काफ़ी हिली एरिया है, सबसे ऊपर टॉप में है। चकराता के बाद आप मसूरी विजिट कीजिए, उसके बाद आप कैंपटी फॉल भी जा सकते हो, और अगर आपका मन बने तो आप ऋषिकेश भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू।